समाजवादी पार्टी, जिसमें मुस्लिम नेता का नाम लेते ही आपके जहन में आजम खान का नाम आता है। लेकिन एक और मुस्लिम नेता है जिसे अब समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। जी हाँ, वो मुस्लिम नेता जिसको 2014 के चुनावों में टिकट दिया जाता है, कई महीनों पहले दिया जाता है, और वो ग्राउंड पर काम करना शुरू करता है, लोगों से मिलना शुरू करता है, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर उसका टिकट काट दिया जाता है। लेकिन वो नेता फिर भी समाजवादी पार्टी के प्रति वफादार रहता है और लगातार संगठन में काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावेद अली खान की, जिसको अब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने कन्वेनर के तौर पे, यानी कि जो मुंबई में 2024 के चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन का मीटिंग हुआ है, उसमें कन्वेनर के तौर पर जावेद अली खान का नाम आगे किया है। लेकिन आखिर जावेद अली खान है कौन और जावेद अली खान की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? जावेद अली खान के नाम की बात करें तो इसे अखिलेश यादव का एक मास्टर प्लान या मास्टर कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिन्होंने एक नाम को आगे करके कई सारे समीकरण एक साथ साधे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ रणनीति है और जावेद अली खान है कौन, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल जावेद अली खान मूल रूप से संभल के रहने वाले हैं और इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में की। वहां से वे छात्र राजनीति में आए, लेकिन छात्र राजनीति में जावेद अली खान ने अपनी राजनीति की शुरुआत लेफ्ट विचारधारा वाले AISF से शुरू की, जिसके बाद वे 1994 में समाजवादी पार्टी से जुड़े। समाजवादी पार्टी में जुड़ने के बाद जावेद अली खान बहुत ही शांत तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए काम करने लगे। लगातार संगठन में जो जिम्मेदारियां दी गई उनको उन्होंने काम किया। बता दें कि सबसे पहले मुरादाबाद का जावेद अली खान को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया था। अब 2006 में जिलाध्यक्ष बनने के बाद अगले ही साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जावेद अली खान को मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा सीट से विधानसभा का टिकट दिया जाता है। भले ही जावेद अली खान इस चुनाव को हार जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं और इसके बाद उनको इनाम मिलता है 2014 में, जब समाजवादी पार्टी 2014 में जावेद अली खान को राज्यसभा में मनोनीत करती है, राज्यसभा में चुनकर भेजती है, जिसके बाद वे 2020 तक राज्यसभा के सदस्य होते हैं। उसके बाद जो 2022 का राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वो नामांकन करते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी ने जावेद अली खान को दी है। जावेद अली खान वो व्यक्ति होंगे जो कि इंडिया गठबंधन में एक संयोजक कमेटी बनाई गई है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन सी सीट पे किस पार्टी लड़ेगी और कितनी सीटें आपस में बांटी जाएंगी, इन सब को लेकर वो कमेटी चर्चा करेगी। इस कमेटी में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर जावेद अली खान होंगे। अब देखना होगा कि आखिर जावेद अली खान क्या कुछ वहां से समीकरण निकाल कर ला पाते हैं, क्योंकि अब तक चर्चा ये थी कि इस कमेटी में समाजवादी पार्टी की तरफ से कन्वेनर के तौर पर रामगोपाल यादव भी हो सकते हैं, लेकिन जावेद अली खान का नाम वाकई चौंकाने वाला है। आपका क्या कुछ इस खबर पर कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।